वेलकम टू टागे विद यूएसएस। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं UPSSC के बारे में और UPSSC इसकी कुछ भर्तियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी वर्ष मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। तो दोस्तों, सूचना प्राप्त हो रही है कि UPSSC में आज एक मीटिंग का आयोजन रखा गया है और मीटिंग के बाद UPSSC आयोग एक नोटिस जारी किया करेगा और ये नोटिस हो सकता है आप लोगों का रिजल्ट का। कौन सा रिजल्ट? ये रिजल्ट आप लोगों का होगा इंटरव्यू जो हुए थे अभी कुछ दिन पहले, इंटरव्यू लगाए गए थे जो 2016 की भर्तियां थी उनके इंटरव्यू लगाए गए थे, तो उनका रिजल्ट जारी कर सकता है UPSSC। तो इसका काम पूरा हो चुका है लगभग। अगर UPSSC की साइट वेबसाइट जो है ठीक से काम करती रही तो आज ये नोटिस जारी हो जाएगा, नहीं तो फिर ये मंडे या नेक्स्ट वीक में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि कल तो संडे है तो कल मुश्किल है। और आज अगर ठीक से काम करती रही वेबसाइट तो ये आप लोगों को इसका रिजल्ट, जो इंटरव्यू की भर्तियां थी 2016 की, उनका रिजल्ट आप लोगों को वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बात करें JEE के रिजल्ट के बारे में, JEE 2016 का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया था, लेकिन वेबसाइट क्रैश हो गई थी और वेबसाइट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, तो कुछ लोगों ने रिजल्ट देख लिया था और कुछ लोगों ने ही देख पाया था और वेबसाइट क्रैश हो गई थी। तब से टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है वेबसाइट में और रिजल्ट नहीं देखा जा सका है छात्रों के द्वारा। बहुत से ऐसे छात्र हैं, तो आप लोग परेशान मत होइए। आप लोग आज तो मुश्किल है लेकिन नेक्स्ट वीक आप लोगों का रिजल्ट जो है वेबसाइट पे दिखने लगेगा और आप लोग आराम से देख सकते हैं JEE 2016 वालों का रिजल्ट, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को बता दें कि कल धरना प्रदर्शन हुआ था और ASO के छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया था, इनका रिजल्ट नहीं जारी हो पा रहा है, तो अपने रिजल्ट को लेकर छात्र गए थे UPSSC आयोग, तो वहाँ पर सचिव जी से मुलाकात हुई, तो सचिव जी ने बोला कि अब जो है इसके बाद आप लोगों के रिजल्ट पे ही काम किया जाएगा और ASO का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाएगा, फिर कंप्यूटर ऑपरेटर का भी। हालांकि आप लोगों को बता दें कंप्यूटर ऑपरेटर और ASO दोनों में से किसी का भी रिजल्ट पहले आ सकता है और संभावित है जनवरी में ही आ सकता है, अगर लेट हो गया तो फरवरी के फर्स्ट वीक में ही आ जाएगा, लेकिन ASO या आप लोगों का रिजल्ट जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, ठीक है, ASO या कंबाइंड टेक्निकल। और अब बात करते हैं PET 2022 के रिजल्ट के बारे में और UPSSC की 14,000 प्लस भर्तियों के बारे में। तो दोस्तों, आज फिर न्यूज़पेपर में न्यूज़ निकल के आई है, आप देख सकते हैं 26 तक आएगा PET का परिणाम, 26 तक आएगा, ठीक है, 26 जनवरी को, मतलब गणतंत्र दिवस को आप लोगों का रिजल्ट आ सकता है, 26 जनवरी तक बोला है, मतलब उससे पहले भी आ सकता है और बाद में भी, ठीक है, क्योंकि ये UPSSC आयोग है। पहले सूचना थी कि 15-20 के बीच में आएगा, फिर वो आगे बढ़ गया टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, फिर 20 का न्यूज़ निकल के आई और 20 के बाद अब न्यूज़ निकल आ रही है कि 25 के आसपास ये रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर में निकल के आया है कि 26 तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर इसमें जानकारी दी गई है PET 2022 से 14,000 भर्तियाँ निकालेगा UPSSC आयोग, और ये भर्तियां कौन कौन सी होने वाली हैं इसकी भी जानकारी मैं आप लोगों को समय समय पर देता रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे कनिष्ठ सहायक के लगभग 5,000 पद हैं, गन्ना पर्यवेक्षक के 3,500 पद हैं, 951 पद गन्ना पर्यवेक्षक हैं, और AGTA कृषि प्राविधिक के 3,500 पद हैं, ठीक है। इसके अलावा पंचायत अधिकारी BPO के 2,500 पद हैं और ग्राम विकास अधिकारी BDO, जिसमें एग्रीकल्चर और साइंस वाले स्टूडेंट एलिजिबल रहते हैं, उनके अलावा कोई नहीं रहता, साथ में फिजिकल भी होता है, SSSC भी होता है, तो उसके 2,100 पद हैं। तो इसकी जानकारी मैं समय समय पर आप लोगों को देता रहा हूँ। और एक बात आप लोगों को बता दें कि ये भर्तियां जो हैं एक साल में पूरा कराने की योजना है आयोग की, क्योंकि PET के बाद जो भी भर्तियां आती हैं उनका एग्ज़ाम 2 महीने के बाद हो ही आयोग करवाने की पूरी कोशिश करता है। वो बात अलग है कि आयोग की जो आदत है, पुरानी आदत है कि हर चीज़ लेट हो जाती है तो वो लेट कर ही देता है, लेकिन उनकी योजना जो है वो एक साल में ही ये भर्तियाँ पूरी कराने की है, ठीक है, क्योंकि आगे इलेक्शन है लोकसभा का, तो अब कुछ ना कुछ दिखाना भी पड़ेगा, तो इसलिए आप लोग जो हैं इन भर्तियों के स्टूडेंट हैं तो इनकी तैयारी करते रहिए। तो आप लोगों की भर्तियां जो AGTA जो है और BDO और BPO, इनका रास्ता बिल्कुल साफ़ है, ये PET रिजल्ट के बाद आप लोगों को ये वेबसाइट पे देखने को मिलेगा इनका नोटिफिकेशन। अकाउंट की भर्ती का भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा है, PET 2021 से अनुकूलित थी, इसका अध्याचन में कुछ गड़बड़ी थी, फिर ये वापस कर दिया गया, अध्याचन करेक्ट होके आ गया था, करेक्शन होके इसमें, और अब अध्याचन आयोग के पास है, अकाउंटेंट की भी वैकेंसी आएगी, लैब टेक्नीशियन की भी वैकेंसी आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसका भी PET 2022 के बाद इसकी भी वैकेंसी आएगी। तो बात करते हैं कि केन सुपरवाइज़र का अध्याचन वापस हो गया है क्या, या ऐसी न्यूज चल रही है, और
किसी ने RTI लगा के जानकारी मांगी थी, तो यहाँ पे रिप्लाई जो आया है वो ये देख लीजिए आप लोग। आप द्वारा मांगी गई सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि कृषि प्रावधिक ग्रुप के लगभग 3500 पदों का अध्याचन आयोग कार्यालय में प्राप्त है, गन्ना पर्यवेक्षक के पदों का अध्याचन अभी प्राप्त नहीं है। तो आप लोगों को बता दें, पेट 2021 से ही ये भर्ती आने को थी AGTA वाली, लेकिन नहीं आ सकी। तो छात्रों ने बहुत बार धरना प्रदर्शन किया, और जब वहाँ गए तो सचिव साहब ने खुद बोला था कि गन्ना पर्यवेक्षक के भी पदों का अध्याचन है हमारे पास और ये भर्ती निकाल देंगे, लेकिन उसमें भी विसंगत निकल आई। कुछ AWS का आरक्षण का कुछ मुद्दा निकल आया था, तो ये भर्ती जाके कोर्ट में फंस जाती, तो उसका अध्याचन, गन्ना पर्यवेक्षक का अध्याचन जो है वो वापस लौटा दिया गया था। और जब दोबारा धरना प्रदर्शन के लिए गए थे छात्र, तो ये बोला गया था छात्रों के द्वारा कि अगर AGTA में जो 906 छात्रों का मामला लटका हुआ था, उसके अलावा गन्ना पर्यवेक्षक की भर्ती अगर साफ है तो उसका ही नोटिफिकेशन निकाल दिया जाए। तब छात्रों को जानकारी मिली थी कि उसमें भी आरक्षण का कुछ मुद्दा फंस गया है, तो इसीलिए आयोग ने इसका जो है अध्याचन वापस कर दिया था। और जैसे ही ये इसमें सुधार हो जाएगा, तो गन्ना विभाग जो है वो आयोग को इसका अध्याचन वापस से सुधार करके, करेक्शन करके वापस भेजेगा, तब इसकी भर्ती आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होइए, और इसका अध्याचन करेक्शन के लिए वापस किया गया था, जो भी मुद्दा रिजर्वेशन को लेके जो भी पेच फंसे हुए थे, तो उनको क्लियर कराने के लिए, क्योंकि कोई भी भर्ती अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है तो वो कोर्ट में जाके फंस जाती है। तो आयोग जो है इन भर्तियों को साफ साफ सुथरा निपटाना चाहती है, और कोई भी भर्ती कोर्ट में ना जाए, इससे सरकार का भी बहुत लॉस होता है, पैसा जो है हर तरह से, एक तो रेपुटेशन गिरती है सरकार की और आयोग की, और दूसरा जो इकोनॉमिक लॉस होता है वो तो होता ही है। ठीक है, तो इसीलिए आयोग जो है फूंक फूंक के कदम रखना चाहता है, और ऐसा जानबूझ के कोई काम नहीं करना चाहता कि कोई भी भर्ती जाके कोर्ट में फंस जाए। तो आप लोग परेशान मत होइए, कैन सुपरवाइजर का अध्याचन जो है वो वापस जरूर हुआ है, लेकिन जिस तरह अकाउंटेंट का पिछली बार अध्याचन वापस हुआ था और करेक्शन होके एक दो महीने में वापस आ गया था आयोग के पास, तो ऐसे ही गन्ना पर्यवेक्षक का भी अध्याचन आ जाएगा, और पेट 2022 से ही पूरी संभावना है गन्ना पर कैन सुपरवाइजर की आपकी भर्ती जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो कृषि छात्रों के लिए बता दें कि काफ़ी सुनहरा मौका है यहाँ पे, एक तो AGTA की 3500 भर्तियाँ वैकेंसी आ रही हैं, कैन सुपरवाइजर की लगभग 1000 वैकेंसी आ रही है, उसके अलावा BDO की जो भर्ती आ रही है एग्रीकल्चर की, इसमें मैथ और एग्रीकल्चर दो ही अलाव होंगे, और फिजिकल भी होगा, और इसलिए सभी लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, SSC भी होगा, और 12th लेवल की इसमें एलिजिबिलिटी मांगी जाएगी। तो आप लोगों को पेट का रिजल्ट के बाद ये भर्तियाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को एक न्यूज़ और दे दें, यहाँ पे आज से करें परिचालक भर्ती के लिए आवेदन। तो परिचालक की जो भर्ती आई है उसका आप लोग आवेदन कर सकते हैं, ये sevayojan.up.nic.in वेबसाइट पे जाके 21 से 28 फरवरी शाम 5 बजे तक आवेदन किया जा सकता है। तो आप लोग अगर कंडक्टर की भर्ती के लिए इच्छुक हैं तो इस वेबसाइट पे जाइए, sevayojan.up.nic.in सरकारी वेबसाइट है, और यहाँ पे अन्य भर्तियों की भी जानकारी मिलती रहती है। तो आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो इसमें जरूर आवेदन कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गई पूरी जानकारी। वीडियो को पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना, नमस्कार।